गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज आप देख सकते हैं कि ये सारा जो सामान रखा हुआ है, तो इन सारे सामानों की जो है अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अनबॉक्सिंग का मतलब जो है खोलने वाला काम तो मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूं। वजह यह है कि सुबह से मुझे टाइम मिला नहीं, तो जो सामान जो है दुकान में खत्म हो गया था उसके ग्राहक आए तो खोल के मुझे गत्ते से निकाल के देना पड़ा। लेकिन जो सामान आप देख रहे हैं इसमें कुछ ही सामान निकला होगा, बाकी सारा सामान यहाँ पे। तो ये जो लगभग जो है 50,000 अमाउंट का जो है सामान है, तो 50,000 अमाउंट में जो है कौन कौन से सामान आए हुए हैं, कुछ चीजों की प्राइस भी हो सकता है जो शेयर कर दूं, जिन चीजों का प्राइस कॉमन होगा, तो सारा कुछ जो है आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किसकी क्या है क्वालिटी। तो सबसे पहले तो जो है हम बात करेंगे, ये मुझे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, हिल डुल रहा। ये है जो है ओरिएंट का डेस्क 25 मॉडल जो है टेबल फैन। तो इस फैन की जो है जरूरत जो है बहुत स्टार्टिंग से थी, लेकिन नहीं ला रहा था, इस बार लाया है। इस वजह से क्योंकि एक ग्राहक जो है एडवांस पैसा जमा कर दिया, तो उसके लिए जो है मुझे लाना पड़ा जो है ये दो ओरिएंट का टेबल फैन। तो इस फैन की जो है अगर एमएम की बात किया जाए, साइज की बात किया जाए, तो इसका जो है स्वेप है 400 सेंटीमीटर, मतलब 400 एमएम। और अगर इसके स्पीड की हम बात करते हैं तो आरपीएम वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी प्राइस आपको दिखा देना चाहता हूँ। इसकी प्राइस है 3,090 रुपया, यहाँ पे देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट है मई 2022। और इसके अलावा ये दिखा है, शायद धुंधला हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। और इसके अलावा इसका स्पीड, इसका आरपीएम वगैरह इस पे बाहर साइड में तो कहीं नहीं दिया हुआ है। चलिए जब इसको फिट करेंगे उस समय देख लेंगे, अंदर हो सकता है कुछ आरपीएम वगैरह लिखा हो, तो उसका वीडियो तो अलग आपको पड़ जाएगा। तो अभी इसको मैं कर देता हूँ साइड में। सेम वही चीज है, दो पीस है। फिर ओरिएंट का ही जो है एग्जास्ट फैन है, ये भी जो है ऑर्डर पे ही आया है। इसके पहले मैं क्रॉम्पटन लाया था, लेकिन इस बार जो है क्रॉम्पटन नहीं लाया, ओरिएंट लेके आ गया हूँ। ये नॉर्मल स्पीड वाला है, हैवी स्पीड जो है काफी महंगा था। तो दो पीस जो है आपका 12 इंची का एग्जास्ट फैन है, इसे भी जो है साइड में ही रखते हैं। उसके बाद से जो है अब ये गत्ते का आइटम है, इनको जो है मैं निकालता हूं और आपको दिखाता हूं कि गत्ते में क्या क्या आइटम आया हुआ। तब तक इसको हम कर देते हैं इधर साइड में। और सारा जो है ये टार्च वगैरह जिस गत्ते का था उसमें डाल देते हैं। और ये है एंकर की RCCB, एक है आपका जो है 63 एम्पियर, ये है 40 एम्पियर, ठीक है। और ये इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का भी पैसा जो है जमा है। और ये दोनों मतलब इस बार मार्केट में बहुत सारी चीजों के एडवांस कस्टमर पैसा दे दिया था, जो सिर्फ ला के मुझे जो है उन्हें डिलीवरी देना है। तो चलिए इसे भी जो साइड में करते हैं। प्राइस की क्या बात करें, प्राइस आप जानते ही होंगे। ये रिमोट भी इधर कर देते हैं। अब सबसे पहले उठाते हैं इस गत्ते का सामान, उसके बाद इस गत्ते का सामान, फिर इस गत्ते का सामान। तो तीन गत्ता ये है मोटी मोटा, ये जो आप देख रहे हैं ये तो आपको बता ही दिया। छतरी वगैरह है तो छतरी ऑलरेडी सामान रखा गया। DTH वगैरह का आइटम जो है किसी गत्ते में आपको मिलेगा, मतलब उसका सेटअप बॉक्स का। तो ये रहा जो है टर्बो का 2.5 mm केबल, 2 पैकेट। उसके बाद से आपका ये रहा 3076 जो है वायर, ये रहा 4076 वायर। उसके बाद ये रहा 2376 वायर, 2376 के बाद ये रहा 3076 वायर। 3076 दो पैकेट है, 2376 भी एक पैकेट है और 4076 भी एक पैकेट है। उसके बाद से ये रहा JMD का 2 पिन प्लग। तो JMD का 2 पिन प्लग दो बार से सुमित भाई हमको नहीं दे रहे थे, JMD के जगह पे GMD दे दे रहे थे, जो इस बार शिकायत करने के बाद जो है मिला, क्योंकि उनके पास माल था JMD का उस समय था नहीं, तो थोड़ा सा रखने में दिक्कत हो रहा, लेकिन मैं आपको रखते हुए दिखाते हुए चल रहा हूँ। फिर ये रहा 8-way का जो है टॉपसन का गैंग बॉक्स, इसे बोलते हैं, मतलब कि इस तरह से जो है जो सादा स्विच नट बोल्ट पे लगता है वो वाला जो है बोर्ड बनाने के लिए ये 8-way बॉक्स जो है बिट वायरिंग में यूज होता है। और 8-way का एक बॉक्स और है,
ये हो गया एटवे का दो बॉक्स, फिर आपका ये है फोर वे बॉक्स है ये। उसके बाद से ये रहा जो है स्क्वायर जंक्शन, जो बिट वायरिंग में जो है होल्डर लगाने, सीलिंग रोज लगाने के काम में आता है। और इसके बाद से ये रहा 63 एम्पियर और 40 एम्पियर। वैसे इसमें डब्बे पे 63 एम्पियर लिखा, लेकिन इसमें दोनों जो है तीन तीन पीस है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तीन तीन पीस पड़ा था, तो इसी वजह से खुले में इसलिए आए, पूरा डब्बा नहीं लाया। ये आइसोलेटर आपको बता देना चाहता हूँ, एंकर का जो है 63 एम्पियर 40 एम्पियर आइसोलेटर है। फिर ये रहा जो है चेंज ओवर, ये है JMD का जो है 32 एम्पियर चेंज ओवर, ठीक है। और चेंज ओवर वगैरह बहुत कम यूज होता है, लेकिन कभी कभी ग्राहक आ जाते हैं। ये रहा RR का 1.5 mm वायर, वायर वगैरह का रेट तो इस समय डाउन हो रहा है। ये रहा RR का 1 mm वायर, एक एक पैकेट जो खत्म हुआ था उसी हिसाब से लाया हूँ, कोई बहुत ज्यादा नहीं लाया हूँ। फिर ये JMD का 5-15 कन्वर्जन, मतलब 6-16, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 6 to 16 एम्पियर, मतलब 6-16 एम्पियर का अगर प्लग है तो इसमें लगा के आप 6 एम्पियर में लगा सकते हैं, कन्वर्जन 3-पिन मल्टीप्लग। उसके बाद ये JMD का 16 एम्पियर स्विच सॉकेट है, दो दो डब्बा, ये दो डब्बा लगभग स्विच होगा और दो डब्बा, ये दो डब्बा सॉकेट है। गत्ते के वजन से पता चल जा रहा है कौन स्विच है कौन सा सॉकेट है। फिर ये रहा आपका 16 एम्पियर एंकर का जो है स्विच, और ये रहा 16 एम्पियर सॉकेट, इसका फोन है। तो ये 16 एम्पियर स्विच सॉकेट एंकर का। उसके बाद से ये रहा कंबाइन विद बॉक्स एंकर का, जगह पूरी एकदम भर चुकी है। ये भी जो है एंकर का कंबाइन विद बॉक्स दो डब्बा है, पूरा सारा जो सामान गत्ते से निकाल के रखता गया हूँ। JMD का 2-पिन प्लग पहले निकाला था, 4 डब्बा था, तो 2 डब्बा निकाल दिया था, 2 डब्बा अभी निकला। अब जो है निकालते हैं, सबसे ज्यादा अगर इसमें कुछ आप देखने को मिलेगा तो लाल जी वायर जो आया हुआ है। इस समय जो ना अपने दुकान पे अगर सबसे ज्यादा मैं यूज किया हूँ तो लाल जी वायर यूज किया हूँ। पहले इतना नहीं यूज करता था, बिट वायरिंग में लाल जी वायर एकदम बिंदास लगा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास चल रहा है, क्वालिटी भी ठीक है। बस इसमें एक ही जो है प्रॉब्लम है कि इसका जो लेंथ है ना वो फुल लेंथ नहीं है, शॉर्ट लेंथ है, लगभग 78 से 80 मीटर का ही होगा। तो ये देख सकते हैं 1.5 1.5 दो बंडल, फिर 1 mm, और इसे अब कहाँ रखें, चलिए इसे इधर रखते हैं। फिर इधर चलो कोई बात नहीं, तो 0.75 0.75 1 mm, मतलब दो 1 mm, दो 1.5 mm और 0.75 mm, मतलब दो दो पैकेट। ये सारा है, बैलेंस करते हैं इसका बराबर। ये रहा बिट काटी, पट्टी वाली काटी है दो पैकेट, चलिए इसे भी जो है इधर रख देते हैं। ये गत्ता हो गया पूरा खाली, इसे हटाते हैं, अब इसे दे देते हैं बाहर। अब इस गत्ते को जो है करते हैं अपने करीब। ये है सुमित मॉडल जो है 2000, एक मीडियम एक स्मॉल, तो इसे कर देते हैं इस साइड। अभी इन सबों की कोडिंग बाकी है, अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग दिखाने लगेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो चलिए, हाँ ये रहा जो है DTX सेटअप बॉक्स, मैं कहा था अभी किसी गत्ते में आपको DTX सेटअप बॉक्स मिलेगा, और ये भी रहा DTX सेटअप बॉक्स। तो ये दो DTX सेटअप बॉक्स है, एक मॉडल और है जो पीछे रखा हुआ है ऑलरेडी, मतलब ज्यादा इस समय DTH वगैरह की डिमांड नहीं है, तो इस वजह से ज्यादा नहीं ला रहा हूँ, कम ही ला रहा हूँ। और अच्छा, ये तो आइसोलेटर है जो है, जो मैं बोला एक ही डब्बे में होगा, लेकिन एक डब्बे में नहीं, अलग अलग पड़ा हुआ है, 40 एम्पियर ही आइसोलेटर है। इसको भी इधर रख देते हैं। और ये है बोर्ड स्क्रूप, जो लकड़ी वाला बोर्ड हम बनाते हैं, 13-6 का जो है ये स्क्रूप है, 13-6 का स्क्रूप। इधर कूलर का पेटी का जो है, पेटी प्लस का
पंप है, तो चलिए इसे भी इधर साइड में रखते हैं। अभी और होगा वो 10 पीस के करीब है, 2 पीस इधर है, ये सारा कूलर का पंप है, करीब 10 पीस अभी और निकलेगा। प्लस ये आपका कितने वाट है, 23 वाट एलईडी करप्टन। देखिए दो मॉडल में, ये न्यू मॉडल है, ये ओल्ड मॉडल है दोनों, लेकिन करप्टन की का ही जो है बल्ब है। ये है इन्वर्टर बल्ब, 4 आवर्स बैकअप एवरीडी इमरजेंसी एलईडी बल्ब, तो ये भी करीब होगा 4-5 पीस। अच्छा हाँ, 4 में लिया था और 1 वापसी गया था, तो ये 4 हो गया और ये 1 वापसी हो गया, 5। फिर आपका जेएमडी बेड स्विच, जेएमडी का बेड स्विच, बजाज का प्रेस DX2, और ये बॉम्बे MCB कवर 2A 2 बॉक्स, और स्क्वायर जंक्शन 1 बॉक्स निकाल दिया था, 1 बॉक्स इधर निकल गया, और ये रहा आपका 4 वे का गैंग बॉक्स, 1 डब्बा निकाल दिया था, ये दूसरा डब्बा, और बाकी ये कूलर का पंप है, ये भी गत्ता हो गया आपका पूरा खाली, इसको भी बाहर कर दो। और ये रहा जो है विदेशी जो है कन्वर्जन जो है प्लग, इसको प्लग बोलते हैं, कन्वर्जन मल्टीप्लग, तो ये आइटम हो गया। अब इसमें जो है इमरजेंसी लाइट है, टार्च है, रिमोट है, पावर सप्लाई है, कार्ड है, तो इनको जो है अभी अनबॉक्सिंग चलिए दिखाई देते हैं। देख सकते हैं ये सारे टार्च हैं, ये सब बहुत सारे टार्च हैं, ये रिमोट है, इस तरह से इमरजेंसी लाइट है, लेकिन अब कौन कौन सा मॉडल है काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि ये बहुत सारे हैं, लगभग यही आइटम सिर्फ जो है 5,000 से ऊपर का, तो अब ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए जो है इस वीडियो को जो है करेंगे एंड। बाकी कैसा लगा वीडियो जो है आप जरूर जो है कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड, इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड इसी तरह से वीडियो जो है इस चैनल पर हमेशा आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।